हर साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी फिल्में रिलीज होता है जिसमें हमको बड़े बड़े सुपरस्टारों को देखने को मिलता है। और आज मैं ऐसे ही इंडिया का हर एक इंडस्ट्री का हाईएस्ट ग्रॉसिंग यानी कि सबसे कमाई करने वाला फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिए और एक लाइक भी करिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। बात करती हूँ मराठी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर इस इंडस्ट्री पर सबसे कमाई करने वाला फिल्म है साइरत, जो 2016 में आई रोमांटिक फिल्म, और जहाँ पर रिंकू और आकाश को लीड रोल में नजर है। और इसमें दोनों कॉलेज फ्रेंड आर्ची और प्राक्ष्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर इन दोनों का कास्ट अलग होने की वजह से कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं वह इसमें दिखी ही है। और इस फिल्म का हर एक गाना रहा काफ़ी फेमस। और जहाँ पर इस फिल्म का बजट था 4 करोड़, और साइरत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन क्या है 120 करोड़, ऐसे करके ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अभी बात करती हूँ तमिल फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। इस इंडस्ट्री पर नंबर वन फिल्म है 2.0, और जो 2018 में एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म, और जिसको डेट किया है तमिल का नंबर वन राइटर एस शंकर ने, और जहाँ पर थलाइवर रजनीकांत, किरारी अक्षय कुमार लीड रोल में नजर है। इसमें एक रोबोट चिट्टी और पक्षी रजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है। और जहाँ पर इस फिल्म का बजट रहा 500 करोड़, और 2.0 बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है 800 करोड़, ऐसे करके रहा सुपरहिट। और तीसरा इंडस्ट्री है गुजराती, और इस इंडस्ट्री पर हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है चल जीवी लाई, और ये 2019 का कॉमेडी ड्रामा रोड फिल्म है, जहाँ पर सिद्धार्थ यश लीड रोल में नजर है। और इसमें एक फादर और सॉन का रिलेशनशिप को दिखाई है। और ये फिल्म है वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड फिल्म, और जिसका बजट था सिर्फ 5 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कलेक्शन किया है 52 करोड़, ऐसे करके रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और अभी बात करती हूँ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। इस इंडस्ट्री पर हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है लूसीफर, और जो 2019 में पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर कॉमेडी एक्टर मोहनलाल, विवेक ओबेरॉय, मंजू वारियर को लीड रोल में नजर है। और इसमें स्टेफन और पॉलिटिशियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है। और अतः दोस्तों, जहाँ पर इसका बजट था 30 करोड़, और लूसीफर का कलेक्शन रहा 200 करोड़, ऐसे करके रहा इंडस्ट्री हिट। और अभी बात करती हूँ पंजाब इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर इस इंडस्ट्री पर सबसे कमाई करने वाला फिल्म है कैरी ऑन जट्टा 2, जो 2018 में आई कॉमेडी फिल्म। इसमें जीपी ग्रेवाल और सोनम बाजवा को लीड रोल में नजर है। इसमें एक अनाथ लड़का कनाडा जाने का ड्रीम देखते हैं, और इसी वजह से वो कैसे एक NRI को शादी करने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखी है। और अतः दोस्तों, ये फिल्म उस बार कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और जहाँ पर बजट 13 करोड़, कलेक्शन रहा 60 करोड़, और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अभी बात करती हूँ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। और इसी इंडस्ट्री पर सभी लोग जानते हैं सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है बाहुबली 2 द कंक्लूशन, और ये 2017 में आई एपिक एक्शन फिल्म, और जिसको डेट किया है नंबर वन डेटर ASS राजामौली ने, और जहाँ पर रेबिस्टर प्रभाष, रणदगुपति, अनुष्का शेट्टी लीड रोल में नजर है। और इसमें बाहुबली का स्टोरी को कंटिन्यू करके दिखाई है। और ये फिल्म इंडियन फिल्म हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म है, जहाँ पर बजट था 250 करोड़, और बाहुबली 2 बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है 1820 करोड़, ऐसे करके रहा इंडस्ट्री हिट। और अभी बात करती हूँ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। हाईएस्ट ग्रॉसिंग वाला फिल्म है अमेजन अभियान, और ये 2017 में आई बंगाली एक्शन एडवेंचर फिल्म, जहाँ पर सुपरस्टार देव को लीड रोल में नजर है। इसमें एक एडवेंचरर शंकर अमेजन जंगल का कई सारे खतरों का सामना करके कैसे सिटी ऑफ गोल्ड पर ट्रैवल करते हैं वह इसमें दिखी है। और बता दोस्तों, बाद में इस फिल्म को टोटल 5 लैंग्वेज में की गई है डब्ड, और जहाँ पर इसका बजट था 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 50 करोड़, और ये रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। अभी बात करती हूँ कनाडा फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर इस इंडस्ट्री पर हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है KGF Chapter 2, और जो फिल्म रिसेंटली बॉक्स ऑफिस पर लाई है तूफान, और जहाँ पर ये रहा 2022 का पीरियड एक्शन फिल्म, जिसको डेट किया है कनाडा का नंबर वन राइटर प्रशांत नील ने, और जहाँ पर रॉकिंग स्टार यश को काफ़ी पावरफुल स्टाइलिश एक्टर में नजर है। और इसका स्टोरी हर कोई जानते हैं, जहाँ पर रॉकी भाई का कोलर गोल्ड फील्ड पर लीडरशिप को दिखाई है। और जहाँ पर KGF 2 का बजट रहा 100 करोड़, और ये फिल्म अभी तक की 1210 करोड़ का कलेक्शन किया है। और बता दोस्तों, अभी भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुली रनिंग है, ऐसे करके रहा इंडस्ट्री हिट।
अभी बात करती हूँ ओरिया फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर इसी इंडस्ट्री पर हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है तुकाता फंसे गलब। और 2018 में आई ओडिशा फिल्म, जहाँ पर लिप्सा मिश्रा और सब्यसाची लीड रोल में नजर आई है, और जहाँ पर इसमें एक छोटा सा स्टोरी को काफ़ी ड्रामेटिक वे से दिखाई है, और जहाँ पर इसका बजट था 2 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 16 करोड़, और ये रहा ब्लॉकबस्टर। अभी बात करती हूँ हिंदी यानी कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर इसमें सबसे कमाई करने वाला फिल्म है दंगल, और जो 2016 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, और जहाँ पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, फतेमा साना शेख और सनिया मल्होत्रा को लीड रोल में नजर आई है, और इसमें एक फॉर्मर रेसलर महावीर सिंह और उनका कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर कहानी को दिखाई है। और अतः दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि पूरी इंडिया का सबसे हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, और जब इसका बजट था 120 करोड़, और ये फिल्म कलेक्शन करके दिखाई है 2112 करोड़ का, और ये रहा इंडस्ट्री हिट। अभी बात करती हूँ आसाम इस फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर इसमें हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है रत्नाकर, और जो 2019 में एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर बोरा और बादशाह रानी को लीड रोल में नजर आई है। इसमें जयंता कैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए लोकल गैंगस्टर किंग्स में फाइटिंग करते हैं वह इसमें दिखाई है, और जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ 1 करोड़, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है 10 करोड़, ऐसे करके रहा ब्लॉकबस्टर। अभी बात करती हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर इस इंडस्ट्री पर सबसे कमाई करने वाला फिल्म है ससुरा बड़ा पैसा वाला, और 2003 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जहाँ पर मनोज तिवारी और रानी चटर्जी को लीड रोल में नजर आई है, और इसमें एक मैरिड कपल का कहानी को दिखाई है। और बता दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर 18 साल तक अभी भी ये फिल्म भोजपुरी फिल्म हिस्ट्री का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, और जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ 30 लाख, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है 35 करोड़, ऐसा करके रहा इंडस्ट्री हिट। तो से ये रहा इंडियन फिल्म हिस्ट्री का हर एक इंडस्ट्री हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों के बारे में। तो उसे इस लिस्ट पर कौन सी इंडस्ट्री आपका फेवरेट है कमेंट पे बताइए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए, और सके बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।